मैं वडेरा हूँ, मैं इससे मिलो, मतलब वो चीज़ नहीं है आप में, मैंने नोट किया है। तकब्बुर किस लिए करना है? वो कहते हैं ना सिंधी में के केतरा करी सिंगार आखिर मेहमान मिट्टी जो, तो फिर जाहिर सी बात है किस लिए बंदा ये तकब्बुर करे लोगों को दिखावे के लिए मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं, ये आरजी तौर है, ये सब कुछ जो है ना आरजी है, आरजी हर इंसान को जाना है, तो तकब्बुर किस चीज़ का करना है? कौन सा काम करते हैं? ट्राले की डिलीवरी करते हैं, इस उम्र में ट्राले की डिलीवरी? उधर कैलेंडर करता हूं। भाई अल्लाह पाक माफ करे, ध्यान से क्या करो, जैसे हालात खराब है मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रिंस अब्दुल वहीद और आप लोग देख रहे हैं भाई, तो यार आज कमजदार ब्लॉग करते हैं शुरू। तो यार सीन इस तरह है, अभी मैं शादी पे जा रहा हूँ रिश्तेदारों की, उनकी शादी है, ये चेक रोजी लगा ली, इसको पॉलिश वगैरह करना है, ये मेरी गाड़ी कल मैंने वॉश करवाया था लेकिन फिर से ये गंदी हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो इलाका है ना ये आप लोग चेक करें, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ठीक है अपने विलेज में, ये रोड की हालत है भाई। आप लोगों को पता है किस लिए मैं चेहरा है, आप लोगों को पता है मैं फेस अपना छुपा के क्यों जाता रहता हूँ अक्सर, आप लोगों ने काफ़ी ब्लॉग्स मेरे हैं 12,700 हे भाई इतनी चल चुकी है, इसका ऑयल भी चेंज करवाना था यार, छोड़ो जान दो इन बातों को। तो यार कल मैं ट्रैक्टर छोड़ के आया था मिस्त्री के पास, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने अपलोड भी नहीं की, मुझे टाइम भी नहीं मिला, मुझे एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिला भाई, इतना बिजी रहता हूँ। ठीक है अभी चलते हैं मिस्त्री के पास, पहले उससे पूछता हूँ भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना है, क्या सामान लेके देना है, ये सब कुछ सारी चीज़ें जो चीज़ें लेनी हो लेंगे, बाकी उसके बाद फ्री होकर। फाइनली गाइस मैं शहर पहुंच चुका हूं, सामने दुकान, मैंने आप लोगों को बताया था चलते हैं मिस्त्री ट्रैक्टर वाले के पास, और ट्रैक्टर सामने खड़ा है भाई। ये मेरा बम्पर है, इसको कलर करवाना है यार, पूरा गंदा हो चुका है, और ये पट्टी है इसकी ठीक है, यहाँ पे कलर करवाना है, वही मिलता लिखवाना है। गाइस आप लोग चेक करें ये गाड़ी खुली पड़ी। अच्छा यार मैंने सोचा पिछोरी थी ना मेरे पास जो चप्पल, वो यार इतनी मिट्टी थी यकीन करे रास्ता खराब होने की वजह से मिट्टी हो चुकी थी, मैंने सोचा यहाँ पठान भाई से पॉलिश करवाते हैं। रेती रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यार यकीन करो बहुत ज्यादा भूख लगी, इतनी भूख लगी क्योंकि मैंने कल से रोटी नहीं खाई, कल शाम जैसे मैं मुझे करनी थी वीडियो एडिटिंग की, टाइम भी नहीं मिला मुझे रोटी खाने का, बस ऐसे ही सो गया, नींद आ गई, वहाँ पे मोबाइल चलाते सुबह को उठाऊं, जैसे उठाऊं मैं यहाँ पे आ गया रेती में। ये सीधा जाता है कराची, ये जो रोड है ठीक है, और ये जो रोड है ये जाता है सीधा लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, ये जाता है जैसे पंजाब वगैरह, और मैं अभी फंसा पड़ा हूँ ठीक है, बाइक मेरी फंस चुकी है, चक्र इंजन इसका लग गया, इससे उतर के मैं इसको उतारता हूँ, नहीं तो ये नहीं उतरेगी, इसका इंजन है वो टूट जाएगा। फाइनली गाइस मैं शादी में पहुंच चुका हूँ, लेकिन आप लोग चेक करें भाई प्लेटें वगैरह मैंने सजा दी, ये चेक करें अभी यहाँ पे खाना लगने वाला है, साथ कजन भी है बेचारा बहुत भूखा है, अभी यहाँ पे हम अंदर बैठे हैं तो देखते हैं खाना कितनी देर में खुलता है। रोटी खुल चुकी है लेकिन हमने बस जल्दबाजी में कहा कि फिर मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा यार वीडियो भी बनानी है। हमने रोटी वगैरह खा ली, बिल्कुल फुल हो चुके हैं, लेकिन ये जो लड़का है ये पहले इसने खाई थी फिर दोबारा यहाँ पे बैठा है रोटी खाने के लिए, भाई इतनी डबल इन्होंने रोटी खाई, हमने तो भाई सिंगल खाई है, चेक करें अभी वो प्लेट वो भी बचा दी हमने। कौन सा काम करते हैं? ट्राले की डिलीवरी करते हैं, इस उम्र में ट्राले की डिलीवरी? उधर कैलेंडर करता हूं। भाई अल्लाह पाक माफ करे, ध्यान से क्या करो, जैसे हालात खराब है मुल्क के, ये मुल्क के हालात है, मेरी चप्पली उतार के खुद ही अपनी पिक्चर बनवा रहा है। तू भी चोरी कर रहा है? नहीं नहीं चोरी नहीं, मेरी खुद की थी, आपने खुद ही उतारी उसे। अभी मेरी भूख उतरी है, पहले तो भाई भूख से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था यार, क्या करें यकीन करें भाई दर्द हो रहा था, तो रोटी छोटी खा के अभी फिर से मैं अकेले जा रहा हूँ, अभी जाऊंगा रेती से होकर सीधा उबाड़ो यार, घूम घुमा के फिर से मैं वहाँ गया जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था, ये यहाँ से ट्रेन जो जाती है वो पंजाब जाती है, और इस साइड से जो जाती है ना ये यहाँ से सिंध जाती है। ठीक है मैं क्या था रेती जाने की वजह से मैंने सोचा यार आप लोगों को आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग वैसे तो जानते होंगे जिस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा, अंदाजा लगा सकते हैं मैं कौन सी जगह पे बैठा हूँ, तो मैं इस साहबज़ादा के पास आया हूँ, आप लोग चेक करें, उनमें तस्वीर भी बड़ी है भाई, अभी तो आप लोग समझ जाए मैं किसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है? सलाम, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, क्या हाल चाल है, कहाँ बिजी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है बिल्कुल, और बस जो है मसरूफियात आपको पता है तो चल रही है, जो सब कुछ आप देख रहे हैं जाहिर सी बात है जमाने के साथ चलना पड़ता है। अच्छा बड़ी मुश्किल से आपने हमें टाइम दिया, इतनी मसरूफियात कौन सी थी? असल में आपने कभी रब्ता नहीं किया था, तो आज आपका अचानक आना हुआ, वैसे तो मैं इधर ही बैठा होता हूँ, जाहिर सी बात है लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के लिए बैठे हुए, और हमारे में वो है नहीं, हम कहते हैं कि इंसानियत से मोहब्बत हो प्यार हो। पहले से आप मोटे मोटे हो गए हैं, कौन सी डाइटिंग वगैरह करते हैं, हमें भी थोड़ा गाइड करें, हम पतले हो गए क्या? असल मसला ये है कि अपना क्या कहते हैं, तो बाहर जाना होता है तो जाहिर सी बात है वॉक का भी टाइम मिलता है और वॉक भी करते हैं,
लेकिन इधर तो नहीं कर सकते ना वाकम किसी भी, क्योंकि हमें तो इतनी मसरूफियात है। जो तकबर होता है मैं बड़े रहा हूँ, मैं इससे मिलूँ, मतलब वो चीज़ नहीं है आप में, मैंने नोट किया है। असल मसला ये है कि तकबर किस लिए करना है, वो कहते हैं ना सिंधी में कि केतरा करी सिंगार आखिर मेहमान मिट्टी जो, तो फिर जाहिर सी बात है किस लिए बंदा ये तकबर करे लोगों को दिखावे के लिए, मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं, ये आर्दी तौर है, ये सब कुछ जो है ना आर्दी है, आर्दी हर इंसान को जाना है, तो तकबर किस चीज़ का करना है। साईं की बड़ी बड़ी मेहरबानी, स्पेशली हमें चाय का बंदोबस्त किया, ये भी तकल्लुफ इनका। मैं तो खैर शादी पे गया था लेकिन वापसी यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ से चक्कर लगाता चला जाऊँगा उबाड़ो, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी सरदार साहब आपने, शुक्रिया आपका, आए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे और हर चीज़ में आप कामयाब हो, हमारी दुआएं आपके साथ। अभी मैं जूस पीने के लिए यहाँ से जूस वगैरह हमने पिया, ठीक है, ये जूस वाली शॉप है, आप लोग चेक करें। तो यार आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भेजा था, तो हमें अल्लाह हाफिज़।